हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट ब्लॉगर्स। कीप वाचिंग ऑन दिस वीडियो। दोस्तों देख सकते हो अभी हमें रायपुर से महज 20 से 21 किलोमीटर की दूरी पर पाटन वाले रोड के पास ये है ठकुराइन टोला नामक जगह है। और साथ ही हमारे पीछे जो आप देख सकते हो ये जो टेम्पल है वह है शिव टेम्पल है। साथ ही ये जो है देख सकते हो नदी के बीच में है दोस्तों, और नदी के बीच में है जो कि कुछ इस प्रकार से मंदिर है। और साथ ही मंदिर के सामने कुछ नंदी महाराज जी की छोटी सी मूर्ति बनाई गई है। साथ ही देख सकते हो यहाँ पर गांव वालों के लिए एक हाईवे रोड है, तो मंदिर का व्यू कुछ इस प्रकार से देख सकते। साथ ही दोस्तों इस मंदिर के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे ही बरसात आता है यहाँ पर जब ज़्यादा पानी भर जाता है तब यहाँ पर शिव जी के दर्शन के लिए लोग नाव से आते हैं, जो कि कुछ उस प्रकार से ऊपर से जो छोटा सा मंदिर दिखाई दे रहा होगा दोस्तों वहाँ से लोग नाव में आते हैं यहाँ पर। साथ ही इस साइड भी खाली जगह है, इधर से भी नाव से आते हैं और आकर शिव जी के दर्शन करते हैं। तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर और कराते हैं आपको शिव जी के दर्शन। तो बने रहिए वीडियो पे, एंजॉय करिए। तो देख सकते हो दोस्तों कुछ इस प्रकार से यहाँ पर जो नंदी महाराज जी हैं वो बहुत ही बड़े हैं, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर इनको बनाया गया है। और साथ ही जो मंदिर है वो कुछ इस प्रकार से देख सकते हो, शिव मंदिर बहुत ही अच्छा है। तो चलते हैं ऊपर की ओर और दिखाते हैं आपको। साथ यहाँ पर पूरा भर जाता है तो लोग दोनों साइड से पार से नाव से होकर आते हैं और शिव जी के दर्शन करते हैं। और कुछ इस प्रकार से यहाँ का एरियल व्यू है दोस्तों, देख सकते हो दोनों साइड से। और ये जो नदी है इस शिव मंदिर को दोनों तरफ से घेरती है, नदी के बीचों बीच जो है यह शिव मंदिर स्थित है, कुछ इस प्रकार से देख सकते हो। चलते हैं आगे की ओर। सो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर और करते हैं शिव जी के दर्शन। दोस्तों अगर आप यहां आना चाहते हो तो आप गूगल मैप पर सर्च कर सकते हो टोला घाट, या फिर आप सर्च करते हो ठकुराइन टोला नामक विलेज है यहां पर है ये, देख सकते हो टोला घाट का जो शिव मंदिर है और यह है श्री शिव मंदिर, तो टोला घाट में स्थित है। तो चलते हैं अंदर करते हैं शिव जी के दर्शन। साथ ही दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर माँ अम्बे जी की एक छोटी सी मूर्ति है। साथ ही कुछ इस प्रकार से मंदिर के ऊपर जाने का रास्ता है इधर से, और यहाँ पर आप आते हो तो कुछ इस प्रकार से यहाँ का मंदिर प्रांगण है दोस्तों, देख सकते हो। साथ ही आप यहाँ पर परिक्रमा कर सकते हो, बहुत ही छोटा सा जगह है। और यहाँ पर दुर्गा माता जी विराजमान है और कुछ इस प्रकार से देख सकते हो यहाँ पर परिक्रमा करने के लिए बहुत ही छोटा सा जगह बनाया गया है। और यहाँ पर देख सकते हो श्री राम दरबार कुछ इस प्रकार से, और इस साइड में है हनुमान जी। तो कुछ इस प्रकार से आप यहाँ आते हैं तो आपको हनुमान जी के भी दर्शन करने को मिलेंगे। और कुछ इस प्रकार से यहाँ का मंदिर का एरियल भी है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नीचे। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की यह श्री शिव मंदिर जी का वीडियो अच्छा लगा होगा, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तो चलिए दोस्तों चलते हैं और मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सबको बाय बाय।